गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि पता है आपको कि बायोलॉजी में जो अपने यूनिट चालू कर रखी है वो अपनी यूनिट है पादपकारी की प्रथम, जो मैंने हमेशा ही बताऊँ बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। तो इसी में अपन जो बात कर रहे हैं वो अपना जो चैप्टर चल रहा है, अध्याय नंबर जो लेसन या चैप्टर है, जो अध्याय आपका छठा चैप्टर चल रहा है, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। ठीक है, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपन यहाँ पर आज इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी बच्चों आपको पता होगा कि इसमें अपन ने जो जल होता है कितने प्रकार का मर्दा जल होता है, और पादपों के जो मुख्य अंग होते हैं जैसे यंग और जो तरुण भाग होते हैं, परिपक्व भाग होते हैं, और तरुण भाग के फिर जो विभिन्न भागों में विभेदित किया गया था तरुण भाग को, उनके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। उसके बाद अपन ने जल अवशोषण की जो क्रिया विधि थी, जो महत्वपूर्ण जो बात थी, वो इससे पहले वाली कक्षा में अपन डिस्कस कर चुके हैं। उससे संबंधित किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में चैट करें या मेरे पर्सनल मैसेज करें, ताकि अपन उसका सोल्यूशन निकालेंगे किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही हो तो। और बच्चों, आज इस अपन जो वीडियो की बात करें या लेक्चर की बात करें, इस लेक्चर के अंदर आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का है, ये कई बार दो नंबर का क्वेश्चन इसमें इजी आ जाता है, बोर्ड के अंदर पूछ लेते हैं, और बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है ये। और कई बार क्या होता है, इसमें जो बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर जब अपन बात करें तो इसका जो क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आज की बात करें तो आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो कर रहे हैं पादपों में जल का मार्ग क्या होता है। ठीक है, पादपों में जल का मार्ग। तो अब जल का मार्ग से क्या समझते हो बच्चों आप, कि पादपों में जो जल का जो मार्ग की बात कर रहे हैं तो वो कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से। तो पहले जल के मार्ग क्या होता है, इससे बात आपको थोड़ी समझने की कोशिश करना। कि मान लो पूरा ये पादप ही बना लेते हैं, ये पादप वह है। ठीक है, ये प्लांट है, और ये इसकी भूमि की सतह है, और ये इसकी जड़ है। ठीक है, ये इसके मूल रोम है, इसके मूल रोम है। तो क्या होता है कि पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, और जैसे अपने वाष्प पोषण की बात करी और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, तो पौधे को क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए पानी कहाँ से उसको मिलता है, मर्दा से मिलता है। अपन पहले वाले वीडियो में या लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, जो उसका सोर्स क्या है, केवल मर्दा है। तो मर्दा से पानी को कौन अवशोषित करता है, जड़ अवशोषित करती है पौधे की। ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है, ये क्या है, मूल रोम है। ठीक है, तो पौधे के जो जड़ का अवशोषण करते हैं ये कौन करते हैं, मूल रोम करते हैं। ये मूल रोमों के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, H2O लिखता हूँ मैं। ठीक है, H2O का अवशोषण जो करता है कौन करते हैं, मूल रोम करते हैं, ये मूल रोम करते हैं। ठीक है, H2O अवशोषण की बात करें तो कौन करते हैं, मूल रोम अवशोषित करते हैं। जल की बात करें, जल अवशोषित कौन करता है, मूल रोम। और फिर ये जल कहाँ पे पहुँचता है बच्चों, फिर ये जो बात है अपन यहाँ पे फोकस करना, ये मैं हरे कलर का जाइलम बना रहा हूँ, है ना। जाइलम जो पादप का जो जल के सेवन का कार्य करता है, पादपों में जल का सेवन कार्य करता है, जाइलम के, जाइलम। तो जल का क्या होता है कि जल का मूल रोमोद्र अवशोषित जल, जो जल है मूल रोमोद्र अवशोषित जल पादप के या जड़ के जाइलम तक पहुंचने की जो प्रवाह है उसको क्या बोलते हैं, पार्श्वीय फ्लो बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये पार्श्व, पार्श्व लेटरल हो गया, पार्श्व देखो पार्श्व भाग हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, पार्श्वीय प्रवाह बोलेंगे।
तो क्या हो गया, मैं कहने का मतलब क्या है कि मूल रोमो द्वारा अवशोषित जल का जड़ के जो पादप है, पादप की जड़ की जाइलम तक पहुंचना है ना, जाइलम तक पहुंचना, तो पार्श्व में तो लेटरल तो हो गया, पार्श्व से आ रहा है, पार्श्व से, इसको पार्श्विक फ्लो बोलते हैं। तो मूल रोमो द्वारा अवशोषित जल है वो जाइलम तक पहुंचता है, तो तीन जो प्रमुख पथ है उनके द्वारा पहुंचता है, जो तीन पाथ है उनके द्वारा पहुंचता है। तीनों पाथ के नाम, सबसे पहले मैंने क्या बताइए कि जल की आवश्यक, जो पादप में जल की आवश्यकता पूर्ति होता है कि जल के द्वारा होती है, ठीक है, मर्दा जल से, मर्दा से जो जड़ होती है जल को अवशोषित करती है, पादप को पहुँचाती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मूल रोम के द्वारा अवशोषित जो जल है, मूल रोम के द्वारा अवशोषित जल, ठीक है, मूल रोम के द्वारा अवशोषित जल कहाँ, जड़ के जाइलम तक जो पहुँचता है, तो इस जो प्रवाह होता है, इस प्रकार का जो प्रवाह होता है उसको पार्श्विक फ्लो बोलते हैं। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पादप है, पादप के अंदर मूल रोम से अवशोषित जल जो जाइलम तक पहुँचता है, मुख्य रूप से तीन प्रमुख पथों से पहुँचता है, तीन रास्तों से पहुँचता है, तीन रास्तों से पहुँचता है। तीन रास्ते कौन कौन से, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तीन रास्ते कौन कौन से उनके बारे में बात करते हैं। तीन जो मार्ग है, पहला आता है आपके अपलोक, ठीक है, पहला जो आता है वो आएगा आपके, कौन सा आएगा, पहला मार्ग आता है अपलोक, जिसको एपोप्लास्ट बोलते हैं, तीन मार्ग होता है, ठीक है, पहला आता है अपलोक, जिसको इंग्लिश में एपोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा जो मार्ग है वो आता है संलोक, जिसको सिंप्लास्ट बोलते हैं। तीसरा जो मार्ग है उसको रसधानीय पथ बोलते हैं, या वेक्यूलर पाथ, इंग्लिश में वेक्यूल बोलते हैं ना, रसधानीय। ये तीनों याद कर लो पहले तो, ठीक है, अपलोक, संलोक और रसदानीय पाथवे, ठीक है, रसदानीय पाथ, वेक्यूलर पाथवे। तो मैं बता रहा हूँ कि जो पार्श्व जो जड़ है, पार्श्व जो मूल रोम है, मूल रोमों के द्वारा जल का जाइलम तक पहुँचना पार्श्विक प्रवाह कहलाता है। और मूल रोमों के द्वारा जाइलम तक जो ये जल पहुँचता था वो तीन जो रास्ते होते हैं उनसे पहुँचता है। तीनों रास्तों के नाम ये है, तीन रास्ते पहुँचते हैं जाइलम तक, ठीक है, जल को लेके, ठीक है, तीनों रास्ते ये हैं। पहला आता है अपलोक आता है, दूसरा आता है संलोक आता है, तीसरा रसदानी पाथ आता है। तीसरा कौन सा आता है, रसदानी पाथ, पहला अपलोक, दूसरा संलोक, और तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आपका रसदानी पाथ, वेक्यूलर पाथ आता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहला अपलोक है, दूसरा संलोक है, तीसरा है रसदानी पाथ है, इसको एपोप्लास्ट पाथ बोलते हैं, अपलोक को, संलोक को सिंप्लास्ट पाथ बोलते हैं, रसदानी पाथ को वेक्यूलर पाथ बोलते हैं, ठीक है, वेक्यूलर पाथ बोलते हैं। तीनों नाम याद हो गए तो अपन वन बाय वन अपन एक एक का डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं आपके अपलवक पाथवे की, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। अपलोक पाथवे क्या होता है बच्चों, इसमें मैं लिखता हूँ, देखो कोशिका, इसमें जो जल का प्रवाह होता है, ठीक है, पादपों में निर्जीव कोशिका भित्ति, निर्जीव कोशिका भित्ति तथा कोशिकाओं के बीच उपस्थित अवकाश के मध्य से होता है। देखो, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का जो प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, अपलवक या एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। देखो यहां पे क्या बता रहा हूं, यहां पर जो जल का प्रवाह होता है निर्जीव कोशिका भित्ति तथा कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अवकाश के द्वारा होता है, के मध्य से होता है, ठीक है, के द्वारा होता है, ये लिख सकते हो आप, के द्वारा जैसे बुकल के द्वारा होता है, ठीक है। अब कौन सा होता है, देखो डायग्राम में अपन देखेंगे तब आपको चीज समझ में आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, निर्जीव कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति कौन सी है, ये बाहर वाली कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति कौन सी है, येरी, येरी कोशिका भित्ति,
ये रही बाहर वाली, ये कोशिका भित्ति देखो, ये रही सेल वॉल, ये बाहर वाली क्या है, कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति। और दूसरी कोशिका भित्ति और जो इसके नीचे उपस्थित कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनके नीचे जो कोशिका होगी, मान लो उनके बीच में जो कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच में, इसके नीचे जो कोशिका होंगी उनके बीच में जो अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाएंगे, ठीक है, ये कोशिकीय अवकाश पाए उनके द्वारा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपलवक या एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इस प्रकार के जो पाथवे होते हैं उसके अपलवक बोलते हैं, अपलवक या एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इस प्रकार के जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एपो प्लास्ट पाथवे बोलते। देखो ये रहा, तो ये रेड कलर से मैंने दिखाया है, देखो ये है कोशिका भित्ति और ये जो कोशिका है उनके बीच में अवकाश है, ये रहा है ना, ये कोशिका भित्ति बाहर वाली है कोशिका भित्ति और ये कोशिका के बीच का जो अवकाश है ये रहा, ठीक है, ये जो अवकाश दिख रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ से जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अपलवक पाथवे बोलते हैं। जल का जल यहाँ से जैसे आता है कि जैसे मूल रोमों से आएगा जाइलम की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा मूल रोमों की तरफ, मूल रोमों से अवशोषित जल आएगा और किधर जाएगा, जाइलम की तरफ चला जाएगा, इधर जाइलम के पास लगा और जाइलम से जल का प्रवाह ऊपर की तरफ हो जाएगा, पत्तियों की तरफ चला जाएगा ना, जैसे जाइलम से जो जल का प्रवाह होता है वो सीधा ऊपर की तरफ हो जाएगा, जाइलम नलिकाकार संरचना होती है, यहाँ से आया ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। तो पार्श्व जो फ्लो हो रहा है, तो मैं बताऊँ पार्श्व फ्लो जो लेटरल फ्लो हो, लेटरल फ्लो तीन प्रकार से था, पहला प्रकार का मैंने ये बताया आपको अपलवक, अपलवक का मैंने बताया निर्जीव कोशिका भित्ति कोशिका के मध्य जो अवकाश है उससे हो रहा है। देखो ये मैं रेड कलर से शो कर रहा है ना, ये रेड कलर से, ये तो यहाँ पर मैंने ये इसको डिनोट किया, यहाँ पर रेड कलर से, ये तो रेड कलर से ये जो जा रहा है, ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग है इसको अपलवक या ये जो मार्ग होगा इसको अपलवक या एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। ये जो होता है ये अनियंत्रित होता है और इसमें जो जल का प्रवाह होता है विसरण के द्वारा होता है, याद रखना एक लाइन याद रखना, ये जो होता है वो अनियंत्रित पाथवे है ना, इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, और ये जो प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, जल का यह प्रवाह होता है ये किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। तो ये हो गया बच्चों आपके जो पहला जो पाथवे है उसके बारे में बात होगी, ठीक है, पहला जो पाथ होगा अपलवक जो पाथवे होगा उसके बारे में बात होगी अपने, है ना, वापस सुन लो, अपलवक पाथवे के अंदर क्या होता है, इसमें जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति तक कोशिका के मध्य उपस्थित अवकाशों के द्वारा होता है। तो ये रहा निर्जीव कोशिका, मैंने लिखो इधर नीचे लिखा है कोशिका भित्ति, ये बाहर वाली और ये कोशिकाएं हैं, तो कोशिका बीच में जो अवकाश है निर्जीव कोशिका भित्ति और कोशिका मध्य जो अवकाश है यहाँ से इस प्रकार से होगा, ठीक है, इधर से लिख दो उधर से लिख दो, इस प्रकार से ये जो जल का प्रवाह हो रहा है ये किस प्रकार का है आपके, ये जो जल का प्रवाह हो रहा है ये किस प्रकार का है, ये अपलवक प्रकार का है, अपलवक या बोले तो एपोप्लास्ट प्रकार का होता है। ये अनियंत्रित, ये जल का प्रवाह अनियंत्रित मतलब इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और इसमें जल का प्रवाह होता है याद रखना विसरण के द्वारा होता है, आगे अपन पढ़ेंगे दो प्राशन के द्वारा होगा, अगले दो में जो तीन पढ़े थे ना, अगले दो के अंदर जो होगा प्राशन के द्वारा होगा, इसमें विसरण के द्वारा जल का प्रवाह होता है और ये अनियंत्रित होता है, ठीक है, इसमें जो जल का प्रवाह होता है किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा, विसरण डिफ्यूजन भी, और विसरण में आपको पता है ये मॉलिक्यूल होते हैं जल के मॉलिक्यूल तो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता तक जाते हैं, ठीक है, और कम सांद्रता अंदर पादप के जो जाइलम में कम सांद्रता बनी रहती है, क्यों बने रहते हैं, जल होता है ऊपर चला जाता है और वहाँ कमी रहती है, तो ऐसे जल सोख करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया अपना पहला पाथवे जिसको बोलते हैं अपलवक पाथवे। दूसरा जो अपना जो पाथवे आता है वो आता है आपके कौन सा, सेलवक या सिंपलास्ट पाथवे, दूसरा कौन सा आएगा, सेलवक या सिंपलास्ट पाथवे। दूसरा जो पाथ है बच्चों को कौन सा है आपके, सेल वक या सिंपलास्ट पाथवे। जब इसमें ध्यान रखना, जब भी जल का प्रवाह है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका
में प्लाज्मो प्लाज्मो डेस्मेटा किसके द्वारा, प्लाज्मो डेस्मेटा ठीक है, या जीवद्रव्य तंतुकों के द्वारा होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, सेलवक या सिंप्लास्ट पाथवे की। जब जल का प्रवाह है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, डायग्राम में बात करेंगे, कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतुकों के द्वारा होता है ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतुकों के द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा आप जानते हो क्या होता है, जीवद्रव्य तंतु क्या, जो कोशिका के बीच में जो जीवद्रव्य तंतु पाते जिससे क्या होता है उनका कोशिका द्रव्य जो होता है वो आपस में मिलता रहता है, उनके बीच में जो संबंध बनाता है ना, तो प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसमें जब जल का प्रवाह है एक कोशिका दूसरी कोशिका जीवद्रव्य तंतु के प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से होता है, तो इस प्रकार का जो पाथवे होता है, इस प्रकार का जो पथ होता है उसको क्या बोलते हैं आपके सहलवक पाथवे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सहलवक या सिंप्लास्ट पाथवे बोलते हैं ठीक है। इसको सहलवक या सिंप्लास्ट पाथवे बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, सहलवक या सिंप्लास्ट पाथवे बोलेंगे ठीक है। पहले ये देख रहे थे, फिर इसमें दो लाइन और बाद में डिस्कस करेंगे। अब देख लो ये कौन सा है, ये रहा एक कोशिका, ये एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका ठीक है। तो अपन को पता है कोशिकाओं में मध्य जो संबंध बनाता है जीवद्रव्य के बीच में जो छिद्र पाया जाता था, अपने जो 11th पढ़ा था, तो उसको प्लाज्मोडेस्मेटा को बोलते हैं। ये जो संरचना देखो मैंने बताई यहाँ पे, ये जो संरचना है ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये जो एरिया है ये वाला एरिया है ये जो एरिया है बीच में इसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं ये ठीक है। ये जो एरिया है देखो, ये जो एरिया है ठीक है, ये जो एरिया होगा जो कोशिकाओं मध्य ये जो आपको दिख रहा है ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो इसमें देखो मैंने तीर से बनाया है, ये रहा सहलवक पाथवे, देखो ये है ना, ये वाला देखो थोड़ा गहरा है इसका, ये सहलवक पाथवे ठीक है, ये सहलवक पाथवे है, ये तीर से ये सहलवक पाथवे है ये, मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से जल का प्रवाह किधर से हो रहा है, एक कोशिका दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से जा रहा है, एक कोशिका दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से जा रहा है। तो इस प्रकार का जो पाथवे होता है उसको सहलवक पाथवे बोलते हैं। याद रखना ये जो क्रिया होती है प्रसरण के द्वारा होती है, याद रखना वहां पे विसरण के द्वारा, तो ये जो क्रिया होती है प्रसरण के द्वारा होती है ठीक है। ये क्रिया होती है क्या होती है, प्रसरण के माध्यम से होती है, ये क्रिया होती है प्रसरण के माध्यम से होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी याद रखना आप ठीक है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता, ये क्रिया जो बता रहा हूँ ये क्रिया जो होती है किसके माध्यम से होती है, प्रसरण के माध्यम से होती है, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नीड एनर्जी। तो मैं क्या बताया, ये क्रिया सबसे पहले बात कर रहा सहलोह की जो क्रिया ये प्रसरण के माध्यम से होती है, प्रसरण आप जानते हो ठीक है, प्रसरण क्रिया ठीक है, जिसमें किसका केवल और केवल विलायक की मूवमेंट होगी ठीक है। तो ये क्रिया जो होती है किसके माध्यम से होती है, ये जो क्रिया होती है वो प्रसरण के द्वारा होती है, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक लाइन और बोल रहा हूँ याद रखना, आपको एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, इस मार्ग में सबसे अधिकतम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब अवरोध, इस मार्ग में सबसे ज्यादा अवरोध होता है, इस मार्ग में सबसे ज्यादा प्रतिरोध या अवरोध होता है, इस मार्ग में सबसे ज्यादा मतलब क्या होगा कि प्लाज्मोडेस्मेटा है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा में क्या प्रतिरोध भी रोकेगा इसको जाने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी होगी, और साथ में क्या हो जाएगा इसमें प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी, इस मार्ग में सबसे ज्यादा या अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग होता है, ये आपको मान लो एक नंबर क्वेश्चन पूछ ले इस प्रकार से। अब अपने बच गया है तीसरा मार्ग जिसको रसदानीय पाथवे बोलते हैं ठीक है, तीसरा मार्ग की बात करते हैं तीसरा मार्ग जो अपने आता है बच्चों, वो आता है आपके रसदानीय पाथवे या वेकुलर पाथवे। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये एक या दो नंबर का, और जितनी बार मैं टेस्ट लूंगा बोर्ड प्री बोर्ड लूंगा उसमें एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि दो नंबर का मुझे पता है, दो नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, कई बार तीन नंबर का भी पूछ लेते हैं, तो इसमें से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये ठीक है। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनता है उनमें से एक मुख्य क्वेश्चन ये बनने के चांसेस में रहते हैं ठीक है। तो तीसरा जो अपना है वो आता है रसदानीय पथ, जिसमें वेक्यूलर
वेक्यूलर पाथ है, ठीक है, रसधानीय पाथ है। अब बच्चों आपको पता ही है कि पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्ति का पाई जाती है, पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्ति का पाई जाती है, ये रही बड़ी रिक्ति का, देखो बीच में जो है ये एक बड़ी रिक्ति, पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्ति का पाई जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो जल का प्रवाह होता है जीवद्रव्य तंतु के द्वारा नहीं होता है, याद रखना जीवद्रव्य तंतु को, या इंग्लिश में बोलते प्लाज्मो डेस्मेटा के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, प्लाज्मो डेस्मेटा के द्वारा, इसमें जो जल का प्रवाह होगा, जल का प्रवाह होगा वो कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली से और फिर कहाँ जाएगा, रसधानी से होते हुए होता है, इसमें जो जल का प्रवाह होता है बच्चों, इसमें जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से नहीं होता, रसधानी पथ में बोल रहा हूँ, प्लाज्मोडेस्मेटा इसमें कोई रोल, इसमें जो जल का प्रवाह होता है सबसे पहले कोशिका झिल्ली फिर जीवद्रव्य में प्रवेश करता है, जीवद्रव्य से फिर रसधानी में प्रवेश करता है, रसधानी से फिर वापस जीवद्रव्य और कोशिका झिल्ली फिर अगली कोशिका में, इस प्रकार से जाता है। देखो इसमें बना रखा है ये ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला देखो, ये ग्रीन वाला सिंबल देखो, ये रहा ये है जीवद्रव्य, जीवद्रव्य से कहाँ पर है, रसधानी में, ठीक है, टोनोप्लास्ट से फिर जो यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली उसमें फिर अगला कोशिका जीवद्रव्य के अंदर वापस रसधानी, इस प्रकार से जो पाथ होता है, मतलब कोशिका झिल्ली और रसधानी के द्वारा इसमें होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली और रसधानी के माध्यम से ये जो पाथ है इसमें जो जल का प्रवाह होता है, इसलिए इसको रसधानी, इसमें रसधानी के बीच में रसधानी से निकलता है, पहले रसधानी पानी इकट्ठा कर लेती है, फिर आगे जीवद्रव्य में छोड़ के फिर अगली साइड में चला, रसधानी आपको पता है जल का संग्रह करती है, तो इस प्रकार जल का संग्रह कर ले फिर आगे ये जीवद्रव्य में छोड़ेगी, जीवद्रव्य से फिर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली या अब कोशिका झिल्ली के माध्यम से दूसरी कोशिका, इस प्रकार से इसमें जल का प्रवाह होता है। इसमें भी क्या होती है बच्चों, ये प्राशन की क्रिया के द्वारा होता है, इसमें भी क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तीसरा मैं बता रहा हूँ, इसमें भी क्या होता है प्राशन की आवश्यकता होती है, इसमें प्राशन की आवश्यकता होती है पहले तो, और ये भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता इसमें होती है, ऊर्जा की इसमें भी आवश्यकता होती है। टोनोप्लास्ट क्या होती है आपको पता है बच्चों, टोनोप्लास्ट इसकी जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, है ना, रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट और रिक्तिका के माध्यम से यह जल का प्रवाह होगा। तो बच्चों ये हो गए तीन पाथवे, लेकिन यहाँ पर अपलोय के अंदर एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ, जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो और सुनो, कि जो पादपों की जड़ बात करते हैं, ठीक है, पादपों की जड़ों की बात करते हैं, तो यहाँ देखो, ठीक है, ये पादप की जड़ का हम सेक्शन काटते हैं इस प्रकार से, यहाँ साफ नहीं दिख रहा, चलो ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अब मैं अपलोक की बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, याद रखना अपलोक में एक लाइन जो छूट गई है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, अपलोक की बात कर रहा हूँ, याद रखो अपलोक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अपलोक में एक लाइन छूट गई है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या होता है पादपों की जो जड़ें होती है, ठीक है, इस प्रकार से देखो जड़ें, ठीक है, ये जड़ी होती है और यहाँ पर कौन सी, ये अधिचरण होती है, ठीक है, ये मूल रोम है, ठीक है, मूल रोम मान लो, और ये अधिचरण, ये वलकुट कोशिका होती है, अंदर क्या होती है, अंदर क्या होती है, अंतःस्रम होती है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जो जो पादपों की जो अंतःस्रोतचा है, ठीक है, अंतःस्रोतचा है जो एंडोडर्म अंदर की होती है, अंतःस्रोतचा की कोशिकाओं के अंदर, अंतःस्रोतचा की कोशिकाओं के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, मतलब क्या होता है इनके अंदर क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाएगी, इस प्रकार से जो सुबेरियन के जमाव से बनती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, अंदर यहाँ पर क्या होता है, जाइलम होता है, यहाँ मान लो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ठीक है, इसका ये फ्लोएम, ठीक है, इस प्रकार। तो जाइलम के सामने वाली कोशिकाएं होती है वहाँ पर कैसे स्टिप नहीं पाई जाती, और वहाँ पर क्या होती है मार्ग कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि जल का जो होते हैं, अपन बात करते हैं कि कुछ पादपों की अंतःस्रोतचा में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है सुबेरियन का जमा होता है, वो सुबेरियन जल के लिए अपारग में होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि
वहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से अपलोक के माध्यम से जल का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि अपलोक में क्या कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य अवकाश के द्वारा होता है, तो वहाँ पर जो जल का प्रवाह होगा वो किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के माध्यम से होगा। तो ये देखो, ये कोशिका झिल्ली, ये जो जल होगा ना, ये जो जल होगा जो आया है या मूल रोम से आया है, ये जल यहाँ से आते हुए कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करेगा इसके अंदर, जाइलम के अंदर, ठीक है। तो इसको पार कला पथ भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली के माध्यम से पार कला, पार कला, कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन, जो ट्रांस मेम्ब्रेनस पाथवे भी बोलते हैं इसको, है ना। तो मैं कहता हूँ कुछ पादपों की जड़ों के अंदर, है ना, कुछ पादपों होते हैं जड़ों के अंदर क्या होती है, जो अंतस्थ होते हैं, केस प्रिंस्टी पाए, लिग्निन का जमा होता है, सुब्रीन का जमा, सॉरी सुब्रीन का जमा होता है, सुब्रीन के जमा की वजह से क्या होता है, वो जल के लिए पारगम्य हो जाती है। तो वहाँ पर जो जल का स्थानांतरण होता है वो इस पाथवे से भी, इस विधि से नहीं होता है, वहाँ पर क्या अंतस्थ होते कोशिकाओं में जल का जो प्रवाह होता है वो इनकी कोशिका कलाओं के द्वारा होता है, इसलिए इसको पारकला परिपथ या ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा के अंदर अपन ने बात की पादपों में जल के मार्ग की बात की, मैंने आपके सारा का सारा जो आपकी बुक के हिसाब से ही सारी चीज़ें डिस्कस करी है, इसके सुंदर से नोट बनाना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। आज की कक्षा में इतना बहुत है, थैंक यू।